दुनिया की 5 ऐसी खूबसूरत जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें इंसानों ने नष्ट कर दिया और आने वाली हमारी पीढ़ियां इन्हें कभी भी नहीं देख पाएंगी। ट्री ऑफ टेनेर, यह अनोखा पेड़ सहारा के रेगिस्तान में मौजूद था। इसकी सबसे खास बात यह थी कि यह उस जगह पर इकलौता पेड़ था। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पेड़ के जिंदा रहने का कारण इसकी लंबी जड़ें हो सकती हैं। लेकिन साल 1973 में एक व्यक्ति की कार इससे टकराने की वजह से यह पेड़ टूटकर नीचे गिर गया। अफवाह यह थी कि वो ड्राइवर नशे में था। आज वो पेड़ नेशनल म्यूजियम में मौजूद है। डकविल रॉक, बत्तख के सिर के जैसे लगने वाला यह पत्थर पहले सन 1900 में देखा गया था, जो यहाँ हजारों सालों से मौजूद है। लेकिन साल 2016 में कुछ नौजवान लड़कों के एक ग्रुप ने मस्ती करते हुए इस पत्थर को तोड़कर नीचे गिरा दिया। इसके बाद जब इनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने इसके बचाव में कहा कि इस पत्थर की वजह से उनके दोस्त के पैर में चोट लग गई थी, इसलिए उन्होंने इसे नीचे गिरा दिया। माया बीच, इस बीच के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। यह जगह तब मशहूर हो गई जब साल 2000 में द बीच नाम की एक मूवी रिलीज हुई, जिसके बाद लोगों की भीड़ यहाँ आने लगी, क्योंकि यहाँ का पानी एकदम साफ और यहाँ की सफेद रेत हरे पेड़ों के साथ काफी सुंदर लगती थी, जिसकी वजह से कुछ ही सालों में यहाँ पर इतनी गंदगी हो गई जिसे साफ करने के लिए सरकार को इसे 4 महीने तक बंद करना पड़ा। फिर भी वो इसे पहले जैसा नहीं बना पाए। एक्सपर्ट्स की माने तो इस खूबसूरत जगह को पहले जैसे होने में सालों लग जाएंगे। नाजका लाइन, ये सभी लाइन और स्ट्रक्चर आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्य में से एक है, जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। यह किसी को भी नहीं पता कि इन्हें किसने और क्यों बनाया था। ये लाइन इतनी बड़ी है कि आप इसे आसमान से आसानी से देख सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इन्हें एलियंस ने बनाया है, जो आज धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि लोग सरकार के साइन को नजरअंदाज करते हुए इसके ऊपर से अपनी गाड़ियां ले जाते हैं, जिससे ये लाइन नष्ट होती जा रही है और शायद कुछ सालों के बाद इस रहस्यमय चीज को कोई नहीं देख पाएगा। गुयारा वाटरफॉल्स, यह झरना ब्राजील के प्राना नदी में बना हुआ है, जहाँ लोग इसका लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से आते थे, जिसकी ऊंचाई 375 फीट से भी ज्यादा थी। लेकिन आज इसका पूरा पानी गायब हो चुका है, क्योंकि सरकार ने प्राणा नदी के ऊपर एक डैम बना दिया, जिसकी वजह से यह खूबसूरत झरना नष्ट हो गया है। वैसे आप इन जगहों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।